बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 हिस्ट्री सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर है 10, मूल निवासियों का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल्स। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड है। आज हम देखेंगे सोर्स बेस्ड यानी कि जो आपके स्रोत आधारित प्रश्न उत्तर है उसको, और ये मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आपको सभी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड यानी स्रोत आधारित वो समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहला देखते हैं। देखिए इसमें टोटल जो मैं आपको चार समझाने वाला हूँ, और जिसमें से सबसे पहला है विलियम मैकेलिस का, या तो जो लेखक है उसका नाम दे देगा विलियम मैकेलिस, या फिर इस तरह से अमेरिका से पहले का दिन, ठीक है? तो इस तरह से ये दे सकता है आपका टॉपिक। चलिए इसे हम पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अमरीका की पूर्व संध्या यानी जब लोग यूरोपीय लोग आए, यानी कि जब यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका का नाम दिया, उससे पहले की पूर्व संध्या की बात हो रही है। से ठीक पहले तक विविधता हर जगह पसरी हुई थी। लोग 100 से भी ज्यादा जवानियां की भाषा बोला करते थे। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण, बागवानी और खेती में से जो मुमकिन हो वह सब आजमाते थे। अपनी आजीविका इन सभी से वो चलाया करते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और इसका इस्तेमाल था, यानी कि मिट्टी की जो गुणवत्ता थी वो कैसी है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, देखभाल कैसे किया जाए, ये सभी प्रयास जो थे वो लोग करते रहते थे। इस प्रकार जीने के तरीके का उनका चुनाव निर्भर करता था, यानी कि उनके जीने का तरीका जो है वो खुद ही अपना स्वयं चुनते थे। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीजें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाज की रचना में मददगार बने, लेकिन वहां कुछ संस्कृतियां सहस्राब्दी तक कायम रही, यानी कि कुछ संस्कृतियां जो थी वो यूरोपीय लोगों के आने के बाद भी कायम रही, लेकिन अधिकतर जो थी वो चेंज हो गई थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसेज। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है कि ताकतवर और श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में क्या मददगार बने। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, ये सभी अधिशेष। तो हम लिख देंगे अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, ये हैं अधिशेष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ही प्रश्न जो है वो आपके सोर्स से बेस्ड है। हालांकि अब यहाँ पे देखिए किसका पूछा गया है, अमेरिका के जो मूल निवासी उनके बारे में बात की गई है, तो ये पूछ लेगा अलग से भी कि उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले मूल बाशिंदे कब और कहाँ से आए। तुम्हें पता है उत्तरी अमेरिका के मूल बाशिंदे कहाँ कब आए थे, 30,000 साल पहले, और कहाँ से, बेरिंग स्ट्रेट के आर पार फैले हुए भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए। ठीक है, आप ये लिख देंगे 30,000 साल पहले और कहां से आए थे, एशिया से, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के रहन सहन, देखिए यहाँ पे रहन सहन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक दो पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। खेती कैसे करते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और संग्रहण करते थे, ये तो यहाँ पे बताया गया, लेकिन ये जो पर्टिकुलर एक आंसर है वो आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, ये जो लोग थे वो नदी और घाटियों के साथ बने छोटे छोटे गांवों में रहा करते थे, ये मछली और मांस खाते थे और ये खेती भी किया करते थे, यानी कि सब्जियां भी उगाते थे और अनाज अनाज में मक्का उगाया करते थे। अक्सर ये लोग मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाते थे, खास करके इन्हें एक भैंस की तलाश रहती थी जो कि बाइशन यानी कि एक जंगली भैंस। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका रहन सहन मूल निवासियों का। तो अमेरिका का जो आपका फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट सोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसको इंग्लिश में देख लीजिए, विलियम मैकेलिस द डे बिफोर अमेरिका, यानी कि अमेरिका से पहले का दिन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे बच्चों वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आपको सीधा जो है इसके क्वेश्चन आंसर समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट हैपेंड क्रिएट पावरफुल हियर चर्चिल सोसाइटीज, तो कैसे क्या क्या है वो बता देंगे। व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका सेटलर्स कम फ्रॉम, तो कहां से आए, से एशिया से, और कितने साल पहले, 30 ईयर्स से। डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल ऑफ द नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो आपको डिस्क्राइब करना है उनकी क्या क्या लाइफ स्टाइल थी। तो यहाँ पे सभी के क्वेश्चंस के आंसर देखिए मैंने इंग्लिश में लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब चलिए सेकेंड को पढ़ते हैं। सेकेंड है वाशिंगटन इरविन का, वाशिंगटन इरविन ये क्या कहते हैं, ये इंडियंस के बारे में बात करते हैं। जिन इंडियंस की असली जिंदगी को देखने का मुझे मौका मिला वे कविताओं में वर्णित रूपों से काफी भिन्न थे, यानी कि कविता में जैसे कहा गया उससे अलग थे। यह सच है कि गोरे लोग जिनकी नीयत पर वे भरोसा नहीं करते थे और जिनकी वे भाषा नहीं समझ सकते थे,
उनकी संगत में रहने पर भी काफी कम बोलते थे, यानी कि नहीं उन्हें समझ सकते थे, नहीं उन्हें बोल उनके सामने हमेशा कम बोला करते थे। पर परिस्थितियां वैसी ही हो तो गोरा आदमी भी उन्हीं की तरह अल्पभाषी हो जाते हैं। फिर परिस्थितियां ऐसी होती कि जो गोरे लोग थे अगर उन्हें हमारी भाषा नहीं आती तो उनकी भाषा कमजोर पड़ जाती। ये इंडियंस जब अपनों के बीच होते हैं, जब भारतीय अपने बीच होते हैं, गोरों के बीच नहीं होते, तो वे क्या करते हैं, गोरों की नकल उतारते हैं, उनकी नकल उतारने में उस्ताद साबित होते हैं और गोरों की नकल उतार कर अपना खूब मनोरंजन भी करते हैं। वहीं गोरे ये समझते हैं कि इंडियंस को वो अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओतप्रोत कर चुके हैं, यानी कि ये जो गोरे लोग हैं वो ये समझते हैं कि इंडियंस जो है वो अपनी संस्कृति भूल के हमारी संस्कृति को अपनाएंगे। गोरे लोग गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते हैं, मैं इसका साक्षी हूँ, मानो उसे और मानो उनमें और जानवरों में कोई फर्क ना हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको जो वॉशिंगटन इरविन है जिन्होंने भारत के जो गोरे और गरीब लोग हैं उनके बारे में बात की गई है। अब इसके क्वेश्चन देखिए, तीन क्वेश्चन है इसमें भी। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने इंडियंस की जिंदगी के बारे में क्या बताया? तो क्या बताया है, लेखक कहता है कि कविता में वर्णित जो इंडियंस की कहानी है वो असल जिंदगी में काफी अलग है। इंडियंस गोरों की भाषा नहीं समझ सकते थे, लेकिन और ये मतलब इंडियंस जो है वो गोरों की भाषा नहीं समझ सकते थे, उनके सामने कम बोला कर कम बोलते थे, लेकिन जब ये इंडियंस अपने इंडियंस भाइयों के साथ में होते हैं तब वे गोरों की नकल करके खूब मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, दूसरा है, मूल निवासियों की परंपरा की विशेषताएं क्या है? अब देखिए, मूल निवासियों की परंपरा के बारे में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। अब देखिए, ये प्रश्न आपका अलग से पूछ लिया गया है क्योंकि जो आपका स्रोत है ये वाला, इसके ऊपर एक टॉपिक है मूल निवासियों का, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, वे अपने जमीन पर कभी 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 भी अपना मालिकाना हक नहीं जमाते थे। जमीन से उतना ही, यानी कि जो मूल निवासी थे वो कभी भी अपना मालिकाना हक नहीं जमाते थे, ये उतना ही उगाते थे जितना कि वह खा सकते थे। ये धरती को पढ़ सकते थे, जैसे कि जलवायु, तूफान, वर्षा, भूकंप आदि, इनका इन्हें अनुमान लग जाता था। भाषाएं तो अनेक बोली जाती थी लेकिन लिखी हुई एक भी नहीं मिली है। औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना, उपहारों का आदान प्रदान करना, ये इनकी परंपरागत विशेषताएं थी। ठीक है, तो अब देखिए आगे देखते हैं, थर्ड, यूरोपीय लोगों के उत्तरी अमेरिकी लोगों के लिए क्या विचार थे? अब देखिए, यहाँ पे तो यूरोप के बारे में बात की नहीं गई, लेकिन ब्रिटेन का क्या क्या बात है कि जो ब्रिटेन है वो अंग्रेजों से संबंधित है, तो सिंपल सा ब्रिटेन और यूरोप। ठीक है, तो और वैसे भी ना जो क्वेश्चन पेपर आपका बनता है ना वो आपके दिमाग के आईक्यू लेवल के जांचने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बना देता है अलग से, तो आपको ये याद रखना। तो यूरोपीय लोगों के उत्तरी अमेरिकी लोगों के लिए क्या विचार थे? इनका ये विचार था कि ये जो उत्तरी अमेरिकी लोग हैं ये आलसी हैं, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये लोग अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े पहनने, जिसका मतलब था कि यूरोपीय जैसे कपड़े पहनने में इनकी दिलचस्पी नहीं है। कुल मिलाकर यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिकी लोगों के लिए कहते थे, ये सिर्फ और सिर्फ मर खपने लायक ही बचे हैं, इन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये मरने के लायक ही बचे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाशिंगटन इरविन का यहाँ पे कंप्लीट। इंग्लिश में देखिए, वाशिंगटन इरविन, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन अगर हम देखें तो, व्हाट व्हाट हैज द ऑथर टोल्ड अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियंस, व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिजिनियस पी आर ट्रेडिशंस, व्हाट वर द व्यूज ऑफ यूरोपियंस फॉर द नॉर्थ अमेरिकन पीपल। तो क्या व्यूज हैं वो आपको यहाँ पे समझाने हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, फोर्थ है, महान मुखिया का संदेश। ठीक है, तो उसे हम पढ़ते हैं क्या है, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। इसलिए वाशिंगटन में बैठा महान मुखिया, ग्रेट चीफ, जब यह संदेश भेजता है कि वह हमारी जमीन खरीदना चाहता है तो वह हमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद करता है। महान मुखिया का संदेश है कि वह हमारे लिए कोई जगह मुकर्रर कर देंगे ताकि हम आराम से रह सकेंगे। वह हमारे पिता होंगे और हम उनके बच्चे होंगे, इसलिए हम इस जमीन को खरीदे जाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन यह आसान ना होगा क्योंकि यह जमीन हमारे लिए पावन है। धाराओं और नदियों से बहता हुआ चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं है, हमारे पुरखों का लहू है। अगर हम आपको जमीन बेच दें तो आपको ये याद रखना होगा कि हमारी जमीन पवित्र है, और अपने बच्चों को सिखाना होगा कि यह पवित्र है और उसके तालाबों के निथरे पानी में दिखता हुआ भूत है, प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है वो जनता की घटनाओं के बारे में और उनकी स्मृतियों के बारे में बताता है। पानी का कलकल मेरे पिता की आवाज के समान है। ठीक है,
तो मुखिया का जब संदेश आया तो जो मूल निवासी थे उन्होंने क्या बात कही गई है इसके बारे में आप ये समझाया गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगी। अब इसका क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल से प्रश्न है कि महान मुखिया का संदेश क्या था। तो महान मुखिया का संदेश ये था कि वह जमीन खरीदना चाहता था, जिसके बदले में उसने कहा था कि वह हम तुम्हारे लिए कुछ ऐसी जगह मुकर्र कर देंगे, ऐसी जगह हम बना देंगे ताकि आप वहां आराम से रह सके। दूसरा, मूल निवासियों को अपनी जमीन व संसाधन के प्रति लगाव क्यों है? क्योंकि उनके लिए वह जमीन काफी पवित्र है, जिससे वे अपना भोजन उगा कर भोजन खेती करके क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं, और ये उनके पुरखों की देन है। ठीक है, उसके बाद धाराओं और नदियों में बहता चमकीला पानी सिर्फ पानी क्यों नहीं है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि मूल निवासी जो है उनका मानना ये है कि हमारी जमीन पवित्र है, उस जमीन पर उसके तालाबों की नुचड़े हुए पानी में दिखता है भूतय प्रतिबिंब, जिसमें उसकी जनता की जीवन है, उनकी घटनाओं के बारे में, उनकी स्मृतियों का बयान है। ठीक है, पानी का कलकल उसके पिता की आवाजों के समान है, तो इसलिए जो पानी है वो सिर्फ पानी नहीं बल्कि चमकीला है। ठीक है, चमकीला पानी जो है वो सिर्फ पानी नहीं बल्कि क्या है, और ही कुछ है। तो वो क्या है, यहाँ पे समझिए। तो ये हो गया महान मुखिया का संदेश, यानी कि ग्रेट चीफ मैसेज। तो ग्रेट चीफ का क्या मैसेज है वो आप यहाँ पे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द ग्रेट चीफ, व्हाई डू द इंडिजिनियस पीपल हैव अटैचमेंट टू देयर लैंड्स एंड रिसोर्सेस, व्हाई इज द स्पार्कलिंग वाटर फ्लोइंग इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स नॉट जस्ट वाटर, एक्सप्लेन। तो देख लीजिए आंसर लिखे हुए, आप इन सभी को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट आता है हमारा, अब इस वीडियो का लास्ट, ये हमारा सोर्स है सिडनी के इलाके का वर्णन। डेट अगर नहीं भी दिया होगा तो ऐसे लिख देगा सिडनी के इलाके का वर्णन, तो हम पढ़ते हैं इसे। चलिए देखिए पढ़ते हैं। ब्रिटिशों की उपस्थिति ने आदिवासियों के उत्पादन को नाटकीय ढंग से अस्त व्यस्त कर दिया। हजारों भूखे मुखों के आने से, जिनके पीछे पीछे सैकड़ों और आए, स्थानीय खाद्य संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा। तो दारू के लोगों ने इन सब के बारे में क्या सोचा होगा, उनके लिए पवित्र स्थानों का इतने बड़े पैमाने पर विनाश और अपनी जमीन के प्रति विचित्र हिंसक बर्ताव समझ से परे था। ये नवातुंग बिना वजह से ही पेड़ों को काटते थे, यह बिना वजह इसलिए जान पड़ता है क्योंकि उन्हें ना तो डोंगी बनानी होती थी, ना ही जंगल से शहद इकट्ठा करना होता था, ना ही तो जानवर पकड़ने होते थे। इसीलिए पत्थरों को हटाकर उनका चट्टा लगा दिया गया था, मिट्टी खोद कर उसे आकार देकर पक्का बना दिया गया, जमीन जमीन में गड्ढे बना दिए गए और बहुत सी भारी भरकम इमारतें बना दी गई थी। यानी कि जो लोग थे दारू के लोग, उनको इन लोगों ने धोखा दिया, ब्रिटिशों ने। ठीक है, पहले पहले उन्होंने इस सफाई की तुलना किसी पवित्र अनुष्ठानिक भूमि के निर्माण से की होगी। संभवतः उन्होंने सोचा कि एक विशाल कर्मकांडी जलसा होने जा रहा है, इसलिए यह खतरनाक होने वाला है, तो इससे ये दारू के लोग जो थे वो काफी दूर रहने लगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके बाद दारुक जो थे वो ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई जो बस्तियां थी उनसे बचकर रहने लगे, और राजकीय अपहरण ही उन्हें वापस ला सकता था। ठीक है, तो ये सिडनी का जो एक इलाका है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब हम इससे समझते हैं, जो इससे इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न है कि उपरोक्त पंक्तियों का वर्णन किसके बारे में है तथा कब किया गया। तो ये सिडनी के इलाके के बारे में वर्णन करता है और 1790 में किया गया था, 1790 है ना। हाँ, उसके बाद आदिवासियों के उत्पादन को नष्ट करने के क्या दुष्परिणाम हुए। तो सिंपल सी बात है कि हजारों लोग भूख की वजह से मरने लगे। तीसरा है, नवांग तुक द्वारा किए गए कार्य से आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या क्या प्रभाव पड़ा, देखिए ये जो लोग थे वो बिना वजह पेड़ काटते थे, जिससे कि आदिवासी ना तो डोंगी बना सकते थे, ना ही तो जंगली शहद इकट्ठा कर सकते, ना ही तो जानवर को पकड़ सकते थे। इन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो पवित्र अनुष्ठान करेंगे, तो किसी पवित्र अनुष्ठानिक भूमि के निर्माण को कहकर पत्थरों को हटाकर उनका चट्टा लगा दिया गया, मिट्टी को खोद कर आकार दे दिया गया, जमीनों में गड्ढे बना दिए गए, अपने लिए नई नई इमारतें, एक तरह से इन्होंने शहर बसा दिया। तो क्या प्रभाव पड़ा, एक तो ये जंगलों से पूरी तरीके से बिछड़ गए, सबसे बड़ा प्रभाव। अब इसमें भी आप लिख देंगे कि उन्हें लकड़ी नहीं मिल पा रही थी, ना डोंगी बना पा रहे थे, ना शहद इकट्ठा कर पा रहे थे, ना ही तो जानवर मार पा रहे थे, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिडनी के इलाके का वर्णन 1790। इंग्लिश में देख लीजिए, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेरिटरी ऑफ सिडनी 1790। तो यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है पूरा का पूरा,
उसके बाद क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपके यहाँ से। अब देखिए बच्चों, मैं आपको जितने भी मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं सभी आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला है विलियम मैकेलिस की अमेरिका से पहले का दिन, तो ये तीन क्वेश्चन है इससे संबंधित। विलियम मैकेलिस द डे बिफोर अमेरिका, क्वेश्चन आपके तीन ये हैं। सेकेंड है वाशिंगटन इरविन, वाशिंगटन इरविन ने इंडियंस के बारे में बात की है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीन क्वेश्चन इसे पूछे जा सकते हैं। वाशिंगटन इरविन इन इंग्लिश, यहाँ पे तीन क्वेश्चन आपके ये हैं। देन आगे देखते हैं, महान मुखिया का संदेश जमीन के लिए था, क्या संदेश हमने पढ़ लिया है, और ये यहाँ पे दिया हुआ है, तीन क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट। उसके बाद ग्रेट चीफ मैसेज इन इंग्लिश, तीन क्वेश्चन आपके ये हैं। देन लास्ट सिडनी के इलाके का वर्णन 1790, तीन क्वेश्चन आपके इस सिलसिले बन जाएंगे। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेरिटरी ऑफ सिडनी 1790 1790, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन आपके इस तरह से बन जाएंगे ये वाले। तो इससे हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे पहली बार आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तो और ही ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए चैनल पे अपलोड होने वाली है। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।